नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको इंटरव्यू में कभी भी पूछ सकता है, इसलिए खास करके फ्रेशर्स जो हैं इसको तो ज़रूर ही ध्यान दीजिएगा। हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज का जो मेरा पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट्स फॉर सिविल इंजीनियर पार्ट वन, मतलब जो बेसिक पॉइंट है उस पर हम बात करने वाले हैं। ये आज का मेरा पार्ट वन है और इसमें हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, जो मेरा नॉर्मली कंस्ट्रक्शन वर्क में साइट पर यूज होता है उसी मटेरियल पर हम बात करने वाले हैं। उसका डेंसिटी क्या होता है, मतलब एक MQ में उसका केजी कितना होता है, कितना केजी एक MQ का उसका वजन या भार कितना होता है किलोग्राम में। जैसे 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को अगर लेते हैं हम, तो अगर उसको MQ में हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका ही हम लोग यहाँ पर आपको वेट बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर है ब्रिक्स, मतलब ईंट। ईंट का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1900 kg पर MQ। सेकंड नंबर है सीमेंट, सीमेंट का डेंसिटी होता है 1400 kg पर MQ। आप 1400 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर है सैंड, सैंड मीन्स बालू। ये मेरा बालू हो गया, बालू का डेंसिटी होता है 1600 kg पर MQ। कहीं कहीं आपको ये 1650 भी मिलेगा, एज पर डिजाइन या ड्राइंग, आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। चौथा नंबर है ग्रेवल, मतलब बजरी। ग्रेवल का होता है 1800 kg पर MQ। पाँचवा नंबर है वाटर, वाटर मीन्स हिंदी में पानी, इसका होता है 1000 kg पर MQ। छठा नंबर है RCC, मतलब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम लोग स्टील का भी यूज करते हैं, उसका होता है 2500 kg पर MQ, मतलब 2500 kg पर MQ। सेवेंथ नंबर है PCC का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें हम लोग ये रेनफोर्समेंट का यूज नहीं करते हैं, स्टील का यूज नहीं करते हैं, इसी को हम लोग PCC बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा आपको, यहाँ पर एक पॉइंट बता दूँ, RCC और PCC में अंतर, तो बस एक इतना ही, मतलब एक नॉर्मल अंतर ये है कि इसमें आप स्टील का यूज करते हैं RCC में, और PCC में स्टील का यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल जैसे रोड वगैरह PCC बनता है, वो मेरा PCC होता है। इसका PCC का यूनिट वेट ये डेंसिटी होता है 2400 kg पर MQ। आठवां नंबर है स्टील, मतलब सरिया, जो छड़ मेरा होता है उसका होता है 7850 kg पर MQ। नौवां नंबर है मार्बल स्टोन, मतलब संगमरमर का जो पत्थर होता है उसका होता है 2700 kg पर MQ। दसवां नंबर है ग्लास, मतलब शीशा, जो हमारा बिल्डिंग वगैरह में यूज होता है, उसका होता है 2700 kg पर MQ। इलेवेंथ नंबर है सॉइल, मतलब मिट्टी, मिट्टी का जो ड्राई मिट्टी होता है, सूखा मिट्टी, उसका होता है डेंसिटी 1700 kg पर MQ। 12 नंबर है वुड, लकड़ी, लकड़ी का होता है 350 से लेके 800 kg पर MQ के बीच में होता है। कहीं कहीं ये आपको मिल जाएगा 400 से 700 के बीच में भी कहीं कहीं मिलेगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मतलब अलग अलग टाइप का जो लकड़ी होता है उसके अनुसार उसका डेंसिटी वेट चेंज हो जाता है। अगला नंबर है सीमेंट मोटार, सीमेंट का जो मसाला हम लोग बोलते हैं, सीमेंट का मसाला, उसका होता है 1440 kg पर MQ। 14 नंबर है जिप्सम, जिप्सम को हिंदी हमको नहीं उतना आता है, तो जिप्सम का जो है, हिंदी आता है लेकिन इसका नहीं मालूम है, जिप्सम को हिंदी में भी जिप्सम ही लोग बोलता है, तो जिप्सम का होता है 1200 kg पर MQ। 15 नंबर है क्ले, मतलब चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का जो मेरा होता है डेंसिटी वो होता है
2080 मतलब 2080 kg पर एम क्यू। 16 नंबर है प्लास्टिक, प्लास्टिक का होता है 2000 kg पर एम क्यू। 17 नंबर है रबर, रबर का होता है 1200 kg पर एम क्यू। 18 नंबर है फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश जैसे फ्लाई ऐश उसको बोल सकते हैं जैसे जो जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक बनता है, जिसको हम लोग सीमेंट और सैंड के मदद से बनाते हैं, उसी को हम लोग फ्लाई ऐश बोलते हैं। उसका होता है 560 से 720 kg पर एम क्यू। इसको तो आप ज़रूर ही याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आजकल फ्लाई ऐश ब्रिक का ही यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन में। 19 नंबर है बिटुमिन, इसको हम लोग कोलतार बोलते हैं, जो रोड वगैरह में यूज होता है, जो काला काला होता है। बिटुमिन का डेंसिटी होता है 1340 kg पर एम क्यू। 20 नंबर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 2710 kg पर एम क्यू। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा आज का पार्ट वन था, जो आपके लिए बेसिक नॉलेज जो या बेसिक पॉइंट बोल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगले पार्ट में हम इसका पार्ट टू लेके आएंगे, किसी और पॉइंट पर, किसी और बेसिक नॉलेज पर इम्प्रूवमेंट के लिए, आप लोग के लिए कोई और टॉपिक होगा, इसका पार्ट टू जल्दी हम लेके आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, जिससे आपका कुछ दिमाग को इसके प्रति कुछ नॉलेज होगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट हमको भी मिल जाएगा, क्योंकि हमको आप लोग के सब्सक्राइब से हमको भी कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है, कि हम आगे आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो प्लीज़ करके चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, और एक बात और, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आप लोग के लिए किस टॉपिक पर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, कि जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो, जो आपको लिए हेल्प हो आपके डेली लाइफ में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।